नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इंजीनियर वीके गुप्ता कैंपस में। और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप लोग ये न्यूज जो है जो अभी बिहार सचिवालय को लेकर आया हुआ है उसके बारे में आप सुने होंगे। तो ये बिहार एसएससी यानी कि सचिवालय सहायक की बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो इसके बारे में पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आपको बता देते हैं इस वीडियो के थ्रू, ठीक है ना। सचिवालय सहायक इसमें आप लोग का 2387 पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट हो चुकी है, नोटिफिकेशन आ गया है। तो हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, आप सब लोग काफी खुश होंगे, पूरे 8 साल के बाद ये वैकेंसी आया है। यानी बिहार सरकार 2014 में ये वैकेंसी दिया था, उसके बाद फिर 22 में दिया है। और ये बिहार के तमाम ग्रेजुएट जो लोग स्नातक कर लिए हैं उनके लिए ये बहुत ही बड़ा खुशखबरी है, क्योंकि इससे बढ़िया नौकरी अभी बिहार में कोई नहीं है। इवन आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की नौकरी है ना, उससे ये किसी भी मामले में कम नहीं है, खासकर उन विद्यार्थियों को जिनको पटना में रहना है। अगर पटना में रहना चाहते हैं तो ये सबसे बेहतरीन आपके लिए अवसर होगा। तो आइए समझते हैं इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जल्दी जल्दी में फॉर्म अप्लाई करते समय गलती कर देते हैं। तो किन किन बातों का ध्यान रखना है फॉर्म फिलअप करते समय, कहां कहां पे आपसे गलती हो सकती है, इन तमाम चीजों का डिस्कशन हम कर देते हैं। देखिएगा, ये तीसरी बार बिहार एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल ये तीसरी बार वैकेंसी आ गई है, 2022 की वैकेंसी है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, पोस्ट कौन कौन सा है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज क्या होना चाहिए, कितना फी लगेगा फॉर्म फिलअप करने में, एग्जाम पैटर्न, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, है तो कितना है, प्री होगा कैसे, मेंस होगा कैसे, और इसके लिए जो होता है हाउ टू अप्लाई, कैसे हम अप्लाई करें, किन किन बातों पे ध्यान रखें। और उसके बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि तैयारी अगर आप करते हैं तो कैसे तैयारी करिएगा, तो इस पे हम ध्यान रखेंगे। और उसके बाद से अगर आप कोर्स कहीं करना चाहते हैं तो कैसे कोर्स कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स क्या इसका बेस्ट हो सकता है और ऑफलाइन कोर्स क्या हो सकता है, ये तमाम चीजों का जानकारी हम आपको देते हैं, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, सब लोग ध्यान दीजिए यहां पर। देखिए, ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित तिथि और अन्य निर्देश। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है ना, ये 14 अप्रैल से है। यानी कि 14 अप्रैल, 2-3 दिन में 14 अप्रैल आ जाएगा, और 14 अप्रैल से आप लोग जो होता है इसको जो होता है भरना स्टार्ट कर देंगे, फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। कब तक भरेंगे, यानी कि आप जो है ना 17 मई तक, यानी पूरा 1 महीना 3 दिन तक फॉर्म फिलअप होगा। और ये फॉर्म कहाँ फिलअप होगा, तो ये बिहार सरकार का वेबसाइट है, ठीक है ना। ये वेबसाइट का नाम है, देख लीजिएगा, यहाँ पे वेबसाइट है https://bihar.government.in। इस वेबसाइट पे जाकर आप लोग जो है फॉर्म फिलअप करेंगे। देखिए, फॉर्म फिलअप करने के पहले एक बार अच्छे से वीडियो को भी देख लीजिए, साथ में आप जो इसका नोटिफिकेशन आया है उसको पढ़ लीजिएगा। फॉर्म फिलअप करने के पहले पूरा तैयारी कर लीजिए, आपका सिग्नेचर, आपका हिंदी में सिग्नेचर और इंग्लिश में सिग्नेचर स्कैन किया हुआ होना चाहिए, आपका जो फोटो होना चाहिए रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, उसके बाद से ही फॉर्म आप फिलअप करेंगे, ठीक है ना। देखिए, इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए कि फॉर्म बहुत आप बारीकी से भरिएगा ताकि फॉर्म फिलअप करते समय कोई मिस्टेक ना हो। यहाँ पे लिखा होगा कि ऑनलाइन आवेदन की पृष्ठियों में किसी प्रकार का सुधार परिवर्तन हेतु समर्पित अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आपसे मिस्टेक हो जाता है तो किसी भी प्रकार का दोबारा विचार नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग एकदम आराम से फॉर्म फिलअप करिएगा, समझ के फॉर्म फिलअप करिएगा। देखिए,
अभ्यर्थी का जो माता पिता का नाम है, माता का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, ये जो मैट्रिक का उनका एग्जाम है ना, तो मैट्रिक में जो आप दिए हैं वही होना चाहिए। मैट्रिक का जो होता है ना वही फाइनल होता है, वही सब जगह वैलिड माना जाता है, तो वही चीज आपको देना है, ठीक है ना। खास बात है कैटेगरी, आपको कैटेगरी की आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, आप EWS में है, आप OBC में है, SC है, ST है, इसके लिए सोच समझ के आप फिलअप करिएगा। ये नहीं कि अभी ओबीसी हम फिलअप कर दें और बाद में ओबीसी का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जो मिलता है वो आपके पास न हो। तो यानी कि अगर आप ओबीसी में बिलोंग करते हैं तो आप ओबीसी भरिएगा, एससी में बिलोंग करते हैं तो एससी में भरिएगा, क्योंकि इसका सर्टिफिकेट आपको SDO से या DM से बनवाकर बाद में देना पड़ेगा। तो इसका भी ध्यान रखिएगा, जिसका नहीं बन पाएगा वो जनरल कैटेगरी में ही ट्रीट किए जाएंगे। तो इसलिए एकदम ध्यान रखना है कि जिनका सर्टिफिकेट बन जाता है वही देना है, यानी फेक कोई भी चीज नहीं दीजिएगा तो बेटर होगा। चलिए आइए चल अगले पॉइंट को हम समझते हैं कि किन किन पदों के लिए कौन कौन सा पोस्ट है, किन किन पदों के लिए वैकेंसी आउट हुई है। तो देखिए इसका नाम ही है मेन बिहार SSC CGL में मेन जो होता है ना सचिवालय सहायक के लिए जाना जाता है, सचिवालय सहायक। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पोस्ट है इसका सचिवालय सहायक, और इसमें आप इसको लेवल 7 बोलते हैं, इसका वेतनमान लेवल 7 में होगा। बात आ रही समझ में? इसमें ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। और कुल पदों की संख्या इसमें 1360 है। कितना है जी? 1360 है, और 460 यहाँ पे है। देखिए अब एक बात को समझिएगा, यहाँ पे महिलाओं के लिए नीतीश कुमार हमेशा महिलाओं के लिए काफी ध्यान देते हैं, और इसलिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार के तरफ से हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। तो यहां पे देखिएगा 35% क्षैतिज आरक्षण है, 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद, यानी महिलाओं के लिए 35% रिजर्व किया गया है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे फटाफट करिए, इसके अलावा सचिवालय सहायक के अलावा आपका पोस्ट है एक योजना सहायक है, योजना सहायक है, प्लानिंग करने के लिए एक असिस्टेंट की जरूरत होती है, ठीक है ना, ये भी लेवल 7 है, और इसमें भी ग्रेजुएशन होना चाहिए। कोई भी ग्रेजुएशन है तो आप जो है योजना सहायक में आप अप्लाई कर सकते हैं। सचिवालय सहायक के लिए नॉर्मल ग्रेजुएशन की जरूरत है, कोई विशेष ग्रेजुएशन नहीं चाहिए। मलेरिया निरीक्षण, देखिए मलेरिया निरीक्षण ये भी बहुत अच्छी पोस्ट होती है, और ये मलेरिया निरीक्षण के लिए मेनली आपको बायोलॉजी से, मेनली आपको बायोलॉजी से जो है ना ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन इसमें लिखा है क्या चीज, विज्ञान संकाय में स्नातक या समकक्ष। इसमें लिख रहा है विज्ञान का मतलब है कि फिजिक्स भी होगा तो चलेगा, केमिस्ट्री भी होगा तो चलेगा, बायोलॉजी भी होगा तो चलेगा, यानी विज्ञान संकाय में अगर स्नातक है आप लोगों का तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं मलेरिया निरीक्षण, और ये भी बहुत अच्छा पोस्ट होता है, ठीक है ना। चलिए आइए अगले तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद से डाटा एंट्री ऑपरेटर, देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 3 का पोस्ट है, और इसमें ग्रेड 3 का पोस्ट है, और इसमें जो होता है ना आप लोगों को स्नातक के साथ में PGDCA चाहिए। PGDCA का मतलब होता है शायद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज आपको जरूरी है, इसीलिए देखिए इसमें BCA की जरूरत है। BCA आप जानते होंगे बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। उसके बाद से आपको IT चाहिए, BSc IT आपको चाहिए, इसमें BSc IT, अगर आप BSc IT किए हुए हैं, बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप किए हुए हैं तो आप लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर में आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये भी जो होता है ऑफिशियल पोस्ट है, इसकी भी सैलरी बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। देखिए उसके बाद एक पोस्ट है अंकेक्षक, इसमें लेवल 5 का ये माना जाता है, ये लेवल 6 था, ठीक है ना। तो देखिएगा इसमें वैकेंसी में आपका जो होता है ना वैकेंसी यहाँ पे थोड़ा कम है, ठीक है ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर की संख्या कम है, लेकिन आपका जो अंकेक्षक है, अंकेक्षक में आपका बहुत सारा पोस्ट है, 256 और यहाँ पे 34 पोस्ट है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत अच्छा चीज है। जो लोग मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन किए हैं उनके लिए अलग तरह से अवसर है, ठीक है ना। वो नॉर्मल वाला सहायक, जो नॉर्मल वाला था सचिवालय सहायक, वो सब तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा वो क्या अप्लाई कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे अंकेक्षक एक और है। ये अंकेक्षक जो है ना आप या तो कॉमर्स में, या तो इकोनॉमिक्स में, या सांख्यिकी में, या फिर मैथमेटिक्स में, किसी भी एक विषय में अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं, क्या क्या
पहला इकोनॉमिक्स, दूसरा कॉमर्स, तीसरा मैथमेटिक्स और चौथा जो है सांख्यिकी। सांख्यिकी ये चार में से किसी में अगर आपका ग्रेजुएशन है तो इस पोस्ट के रूप में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है और इसमें भी पोस्ट की संख्या बहुत ज्यादा है, 370 और 117 है, 370 पोस्ट है। बात आ रही समझ में? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुल मिलाकर यहाँ पे 2187 पोस्ट है। इसमें आप लोग बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, कह सकते हैं कि 8 साल इंतजार करने के बाद इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आप लोग, अब हम बात करेंगे कि आखिर आपका जो है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो देखिए क्वालिफिकेशन मेनली क्या चीज, ग्रेजुएशन। कोई भी ग्रेजुएशन कर लिया है तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी अगर बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ये अलग बात है कि मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन किए हैं तो कुछ अलग इसमें पोस्ट है, जो लोग साइंस से किए उनके लिए कुछ अलग भी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, और जो लोग बीएससी आईटी पीजी डीसीए या फिर बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए किए हुए हैं तो उसके लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में भी उसका चयन हो सकता है। लेकिन ग्रेजुएशन है तो सचिवालय सहायक और मलेरिया निरीक्षण, ये सब पोस्ट मलेरिया निरीक्षण के लिए तो आपको साइंस होना चाहिए। साइंस का मतलब बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स होना चाहिए, उसमें बायोलॉजी को वरीयता मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज है, ठीक है ना। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा, ग्रेजुएशन आपका कब तक कंप्लीट होना चाहिए, तो ध्यान दीजिए, ग्रेजुएशन जो है ना आपका 17 मई 2022 तक जिन बच्चों का ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। 17 मई के बाद अगर आता है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए ओके, नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, तो अब पूरा मजा आ जाएगा बच्चों को, पूरा एकदम, ये एकदम बहुत बड़ा खुशखबरी है। इसके लिए बहुत आप मेहनत करते हैं, बहुत लोग चाहते हैं कि सचिवालय के रूप में सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बिहार सचिवालय में बहुत लोग काम करना चाहते हैं। बिहार का जितना युवा है सबका प्राथमिकता होता है कि हम पटना में, बिहार का जो राजधानी पटना है यहाँ पे हम जॉब करें, ठीक है ना। इसका सैलरी भी एकदम लाजवाब है, इसके अलावा जो है आवास भी मिलता है, तो आवास रेसिडेंस भी आपको मिल जाएगा, सैलरी भी बढ़िया है, सारा सुविधा है। चलिए आइए समझते हैं। उम्र सीमा, देखिए उम्र सीमा में आपको याद रखना है क्या चीज, कि न्यूनतम तो 21 साल है, न्यूनतम कितना है 21 साल है, और अगर अधिकतम की बात की जाए तो अधिकतम में देखिए, अधिकतम की कोई मतलब हम बोल सकते हैं कोई उम्र सीमा है नहीं, मतलब बहुत ज्यादा दिया हुआ है। अनारक्षित के लिए यानी अनरिजर्व के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 37 है, ठीक है ना। बाकी ये सब देख लीजिए, आपका महिला के लिए दिया है, पुरुष महिला के लिए दिया है, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति जाति के लिए 42 साल दिया है, तो उम्र में कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम आप 21 साल के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे परीक्षा शुल्क क्या लगेगा। तो परीक्षा शुल्क तो बहुत नॉर्मल है बाबू, ठीक है ना। परीक्षा शुल्क क्या लगेगा देखिएगा, तो 540 रुपया सामान्य वर्ग माने जनरल ओबीसी और ईबीसी के लिए, पुरुष के लिए लगेगा 540, ठीक है ना। बिहार के स्थायी निवासी के लिए जो एससी एसटी में आते हैं उनको मात्र 135 लगेगा। अनुसूचित जाति जनजाति के सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए, दिव्यांगों का मतलब जो फिजिकली चैलेंज्ड है, जिनको फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उन लोगों के लिए 135 लगेगा। महिलाओं के लिए तो सोचना ही नहीं है, 135 लगेगा। और उसके बाद बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी, देखिए बिहार के बाहर के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और कोई को भी चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो उसके 540 रुपया लगेगा, ठीक है ना। देखिए परीक्षा शुल्क जो होता है, इसमें एक चीज याद रखिएगा कि परीक्षा शुल्क ये जो लिखा हुआ है इसके अलावा इसमें जो है ना आपका सर्विस टैक्स भी लगेगा, सर्विस टैक्स के रूप में भी कुछ रुपया इसमें लगेगा, ठीक है ना। तो यानी कि आप लोग का एक्स्ट्रा पेमेंट लगेगा, इससे कुछ ज्यादा ही लगेगा, ठीक है ना। चलिए ओके, अब आप लोग देखिएगा परीक्षा की प्रवृत्ति क्या होगी। परीक्षा की प्रवृत्ति वस्तुनिष्ठ होगी। अच्छा, वस्तुनिष्ठ में भी आपके पास ऑप्शन होंगे, ठीक है ना। और हाँ ऑप्शन होंगे, ठीक है ना। इसमें देखिए एक बात यहां पर लिख रहा है कि परीक्षा, ठीक है ना, यहाँ पे लिख रहा है क्या चीज कि प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के
पांच गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। इसे कहने का मतलब क्या है कि प्री की बात की जाए, अगर प्रारंभिक परीक्षा में जितना सीट है उसका पांच गुना रिजल्ट दिया जाएगा, माने 5 times रिजल्ट दिया जाएगा, और वो लोग मेंस के लिए सेलेक्ट होंगे, मेंस के लिए अलग से फिर से नोटिफिकेशन जारी होगा, फिर उस समय आपको फॉर्म एक बार और फिलअप करना पड़ेगा, और उसके बाद से मेंस आप लोग देंगे जो लोग प्री क्वालिफाई करेंगे, ठीक है ना। आपका जो था यहाँ पे दिया हुआ है सिलेबस क्या है, तो ये सिलेबस है आप लोग, मतलब ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन कौन सा पूछा जाएगा, तो देखिए सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन से 50 questions आएगा, सामान्य विज्ञान से 25 questions आएगा, मैथमेटिक्स से 25 questions आएगा, और आपका रीजनिंग से 50 questions आएगा। यानी रीजनिंग आपका अच्छा होना चाहिए, मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए, सामान्य अध्ययन से 50 और विज्ञान से 25 आना चाहिए, कुल मिला के 150 questions होगा, 150 questions होगा, और 150 questions 4-4 number का होगा, 4 number, यानी कुल मिला के 600 अंकों की परीक्षा होगी, 600 अंकों की क्या होगी, परीक्षा होगी। अच्छा, इसमें निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो निगेटिव मार्किंग, देखिए निगेटिव जो होता है 25%, बिहार का जितना भी एग्जाम है उसमें निगेटिव 25% होता है, तो बताइए एक क्वेश्चन अगर 4 number का है तो 25% -1, यानी एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 number आपका काट लिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट समझिए, इसलिए आप लोग एकदम अलर्ट होकर बनाइएगा, सावधानी पूर्वक बनाइएगा, ताकि निगेटिव नहीं हो, क्योंकि निगेटिव पे -1 number मिलेगा, आप पॉजिटिव होने पे 4 मिलेगा। बात आ रही समझ में। अब देखिए प्रश्न यहां पर वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, ठीक है ना। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। 2 घंटा 15 minutes की परीक्षा होगी, देखिए 2 घंटा 15 minutes की परीक्षा होगी, 2 घंटा 15 minutes। इस परीक्षा का खासियत क्या है, बिहार के परीक्षा का, इसमें आप बुक ले जा सकते हैं, आप बुक क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, ठीक है ना। सब सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का एक बुक ले जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि मैथमेटिक्स का, मैथ का एक बुक लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। जीएस का एक बुक लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। रीजनिंग का भी एक बुक लेके जा सकते हैं। लेकिन देखिए बुक आखिर किसको, बुक ले जाने पे क्या सबको फायदा होगा, सबको फायदा नहीं होगा। बुक कब काम आता है, जब आपका तैयारी बहुत बढ़िया से है, बहुत बढ़िया से आप पढ़े हुए हैं, और मान लीजिए कि कोई चीज में भूल रहे हैं, आप गए परीक्षा देने, मैक्सिमम क्वेश्चन आप खुद से बना रहे हैं, लेकिन 5-10 questions ऐसा है जो कि आप हल्का फुल्का भूल रहे हैं, तो वो आप जल्दी से बुक में पलट कर और उसका हिंट आप ले सकते हैं और लेकर उसको बना सकते हैं, क्योंकि समय सीमा बहुत कम है, समय बहुत कम है। देखिए बिहार का जो ये परीक्षा है, इसमें क्या चीज होता है कि समय तो खैर 2 घंटा है ही, 2 घंटा 15 minutes तो समय है ही। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए 2-15 minutes में जिसका भी तैयारी अच्छे से है, चूंकि इसमें क्या है मैथ 25 है, रीजनिंग भी नॉर्मल होता है, मैथ भी नॉर्मल होता है, और जीएस तो बस टिक करना है, तो समय लास्ट में बच जाता है। जो अच्छे कैंडिडेट हैं, जो अच्छे से तैयारी किए हुए हैं, लास्ट में इसमें टाइम बचता है, इसमें टाइम क्या होता है बचता है, तो टाइम बचता है, तो जब आप बुक लेकर जाएंगे तो जो क्वेश्चन आपका आइडिया है कि ये यहां से पूछा गया है, यहां देखने से मिल जाएगा बुक में, उसको तुरंत खोज कर भी 5-10 questions जो गलत हो रहा आपका उसको भी आप सही कर लेंगे। इससे क्या होगा कि अदर स्टूडेंट के कंपेरिजन में आपका नंबर बढ़िया आएगा। लेकिन ये तभी हो सकता है जब बहुत बढ़िया से आप तैयारी करके जाइएगा, अदरवाइज नकल वहां नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो समझ गए हैं, चलिए ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिए सिलेबस क्या है, तो सिलेबस जो है आप नोटिफिकेशन कहीं से भी डाउनलोड किए होंगे, तो उसमें सिलेबस होगा सामान्य अध्ययन जीएस में, वही सब होता है जो है इसमें। जीएस के बाद से आपका जो था करेंट अफेयर्स है यहाँ पे, ठीक है ना, उसके बाद से भारत और उसके पड़ोसी देश है, सामान्य विज्ञान और गणित में सामान्य विज्ञान रहेगा, सामान्य विज्ञान में भौतिकी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, जीव विज्ञान पढ़ना है, अब भूगोल भी पढ़ना है। देखिए सामान्य विज्ञान में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो रहेगा ही, इसके अलावा इसमें ज्योग्राफी को भी सामान्य विज्ञान में ही शामिल किया गया है, यहां से 25 questions रहेगा। गणित
देखिए गणित से ज्यादातर इसमें आप पढ़िएगा तो ज्यादातर अर्थमेटिक का ही सेक्शन है, लेकिन इसका ये नहीं मतलब है कि अर्थमेटिक से पूछेगा। सिलेबस जो लिखता है उसके अलावा भी बहुत कुछ पूछता है, ये हम खुद देखे हुए हैं, ठीक है ना। जैसे कि 2015 में जो वैकेंसी आई थी उसमें बहुत एडवांस से भी क्वेश्चन पूछ दिया था। तो आप लोगों को जो है ना मैथमेटिक्स में भी मैथमैथ में भी आप लोगों को अर्थमेटिक तो पढ़ना ही पड़ेगा, साथ में एडवांस भी बेसिक लेवल का एडवांस आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। यानी हर चैप्टर का थ्योरी पढ़ के जाना है एडवांस का, हर टाइप का इजी दो चार क्वेश्चन बना के जाना है ताकि एडवांस भी पूछता है तो क्वेश्चन आपका नहीं छूटे, ठीक है ना। तो ये चीज है रीजनिंग। देखिए सबसे बढ़िया तैयारी आपको करना चाहिए रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग 50 नंबर का है और 50 नंबर बहुत मायने रखता है, ठीक है ना, 50 नंबर बहुत मायने रखता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पे, अब देखिएगा आप लोग क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा, माने पास होने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। तो मिनिमम तो यहाँ पे लिख दिया है 40%, 36%, 34, 32, 32, 32, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए आजकल के एग्जाम में कहीं भी कट ऑफ जो है ना 70% से कम नहीं जाएगा। कट ऑफ जो होगा आपका 70% से कम नहीं जाएगा, कट ऑफ जो कट ऑफ है, ठीक है ना, वो मेरे हिसाब से मिनिमम 70% एकदम रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा। आप सेफ कब रहिएगा, जब 80% स्कोर करिएगा। अगर 80% स्कोर करिए, कहने का मतलब 150 क्वेश्चन में अगर 80% निकालिएगा, ठीक है ना, तो 15/120 क्वेश्चन एकदम सेफ स्कोर होगा। बाकी अगर कोई 150 का अगर 70% बनाता है, मतलब 105 क्वेश्चन अगर बनाता है, तो 105 क्वेश्चन बाउंड्री लाइन होगा, इसमें रिस्क होगा। 110 115 में भी सिलेक्शन होने में रिस्क है। 120 अगर आपका सही हो गया तो बिल्कुल आप सेफ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोगों को टारगेट एकदम करना है कितना परसेंट, 70-80% इसके बीच में एनी है वो आपको लाना चाहिए, तब जाके आप थोड़ा सेफ हैं। अदरवाइज ये सब बिना मतलब का बात है, ठीक है ना, इसका कोई औचित्य नहीं है। चलिए आइए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, इसमें इंपॉर्टेंट डायरेक्शन क्या है। देखिए इंपॉर्टेंट डायरेक्शन क्या है यहां पे, कि आपका हिंदी इंग्लिश में सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करेंगे, हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर करेंगे और उसको बढ़िया से स्कैनर से स्कैन करवा लीजिएगा साइबर कैफे जाके, और तब फिलअप करिएगा। उसके बाद देखिए पुराना फोटो अपलोड नहीं करना है, पुराना फोटो एकदम अपलोड नहीं करना है, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी आवेदन पत्र को सबमिट करने के पूर्व प्रीव्यू देखकर, अच्छा सुनिए, सबमिट फाइनल जब सबमिट करना होगा उसके पहले जो आवेदन आप किए रहिएगा उसका प्रीव्यू दिखाता है, तब प्रीव्यू में जाके चेक कर लेना है कि आपने कुछ गलत नहीं ना किया है। अगर गलत किए होंगे तो वहां बगल में एक एडिट ऑप्शन होगा, एडिट बटन होगा, उस बटन पे क्लिक करके आज जहां पे आपसे मिस्टेक हुआ है उसको जाके करेक्शन करना है, और 2-3 बार चेक करने के बाद ही फाइनल सबमिट करना है। क्योंकि एक बार सबमिट कर दीजिएगा तो उसके बाद से आपको मौका नहीं मिलेगा सही करने का, ठीक है ना। तो ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। ईमेल आईडी आपको अपना ईमेल आईडी देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, एक ऐसा मोबाइल नंबर उसमें दीजिएगा जो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ईमेल आईडी देना पड़ेगा, ईमेल आईडी दीजिएगा ताकि हमेशा काम आएगा, क्योंकि उससे आयोग क्या करेगा कि इससे संबंधित कोई भी जानकारी आपको आपके इसी ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर भेजेगा। इवन आप लोगों का जो एडमिट कार्ड होगा ना वो डाउनलोड करने में इस सब का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए आपका जो जैसे आप सबमिट करिएगा तो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर ये जेनरेट होगा, ठीक है ना। जैसे आप सबमिट करिएगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर और उसके बाद से यहाँ पे क्या लिख रहा है, रोल नंबर जेनरेट होगा। उसको आप अच्छे से लिख कर सेव कर लीजिएगा, हालांकि इसका कॉपी आपके मेल पे भी आ जाएगा, मोबाइल पे भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी उसको लिख कर कहीं सुरक्षित कर लेना चाहिए, बाद में काम आता है, ठीक है ना। बाकी और सब चीजें नॉर्मल चीजें देख लीजिएगा। अंतिम तिथि तो बता ही दिया आप लोग को कि 17 मई 2022 है, ठीक है ना, 1 महीना 3 दिन फॉर्म फिलअप करना है, तो ये सब देख लीजिएगा आप लोग। तो ये विशेष जानकारी। अब देखिए ये सब के बाद आपके परीक्षा का जो प्रारंभिक रणनीति है वो बहुत अच्छे लेवल का होना चाहिए, कि आप परीक्षा को आखिर किस तरीका से फाइट करने वाले हैं। अगर आप लोगों को 120 नंबर लाना है, 120 क्वेश्चन बनाना है, तो कैसे आप 120 क्वेश्चन तक पहुंचिएगा, इसमें क्या क्या रणनीति होना चाहिए। देखिए 3 पार्ट है इसका, हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
सबसे पहले हम लिखते हैं यहां मैथमेटिक्स मैथ, दूसरा हम यहां पे लिख रहे हैं आप लोगों का साइंस, दूसरा हम लिख रहे हैं साइंस, तीसरा लिख रहे हैं हम यहां पे रीजनिंग, रीजनिंग और उसके बाद से हम यहां पे लिख रहे हैं जीएस। ये चार पार्ट है आप लोगों का। देखिए चार पार्ट में ये मैथ है 25 क्वेश्चन, साइंस है 25 क्वेश्चन, रीजनिंग है 50 क्वेश्चन, रीजनिंग 50 क्वेश्चन है और जीएस आप लोगों का कितना है 50 क्वेश्चन है। अब देखिए ऐसे तो चारों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, चारों सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही चाहिए, ठीक है ना। जीएस में 50 क्वेश्चन है ये तो पढ़ के जाना ही चाहिए आपको, ठीक है, रीजनिंग पढ़ के जाना ही चाहिए, साइंस पढ़ के जाना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से देखिए चारों का चारों इंपॉर्टेंट है, ये हम नहीं बोल रहे कि कोई कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है आपका रीजनिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रीजनिंग, उसके बाद से मैथ, मैथ तो रहेगा ही। देखिए ये दोनों सब्जेक्ट मिला के आपका 75 क्वेश्चन है। रीजनिंग का मैथ का खासियत क्या है कि अगर केवल इसका सिलेबस आप बढ़िया से कंप्लीट करके जाते हैं रीजनिंग और मैथ, तो मेरे हिसाब से इस 75 में आप 73 तक तो आराम से ला सकते हैं, 75 का 75 ला सकते हैं या 75 में 73-74 ला सकते हैं आप, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ उसके बाद से अगर आप साइंस सेक्शन में अगर मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं तो इसमें से भी आपका नंबर आ जाएगा, मान लीजिए इसमें से आप 15 क्वेश्चन ही बना लेते हैं, बात आ रही समझ में। और यहां अगर जीएस अगर 50 है ना बाबू, देखो जीएस कितना ही पढ़िएगा ना तो 50 नहीं बनेगा, याद रखिएगा। जीएस पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन जब एग्जाम में जाइएगा तो सब क्वेश्चन नहीं बनता है। मेरे कहने का मतलब है कि एक आध को एक्सेप्शन लोगों का हटा दीजिए, कुछ लोग तो बना के आएंगे 1-5% 2% लोग, लेकिन ज्यादातर लोग जीएस में पूरा स्कोर नहीं करते हैं पढ़ने के बावजूद भी, क्योंकि जीएस का अथाह सिलेबस है, कौन सा क्वेश्चन आप पढ़ के गए कुछ आप पूछ देगा कुछ। तो जीएस में अगर जीएस में मान लीजिए कि 30 नंबर भी हम ला देते हैं, जीएस पढ़ के जाते हैं 30 ला देते हैं तो इधर से 73 आ जाएगा। देखिए रीजनिंग और मैथ मिला के 73 आ जाएगा आप लोग का, जीएस में 30 क्वेश्चन आप बना देते हैं और इधर अगर 15 कर देते हैं ना तो आपका 5-3 कितना हो जाएगा 8, 7-3, 10 और 11 माने 118 के रेंज में आप पहुंच सकते हैं। और 118 एकदम सेफ स्कोर है, इतना पे पहुंचिएगा तो सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं सकता है। तो मेरे हिसाब से रीजनिंग को सबसे बेस्ट करिए, मैथमेटिक्स को एकदम क्रेश कोर्स रिविजन करके जाइए, मैथमेटिक्स को रिविजन करके जाने से एक भी गलत नहीं होगा, मैथ में 25 में 25 आ जाएगा। और उसके बाद से बाकी जीएस आप लोग तो पढ़ेंगे ही, जीएस और साइंस तो सब लोग पढ़ेगा ही, एकदम ध्यान में रखिएगा जीएस पढ़ने वाले सब बच्चे हैं लेकिन उस पर मैथ और रीजनिंग वाले एग्जाम में हमेशा भारी पड़े हैं। मेरा आज तक का अनुभव है कि जिन लड़कों का रीजनिंग और मैथ अच्छा रहता है ना वो जीएस पे भारी पड़ते हैं, कितना वो होगा तो जीएस वाले एग्जाम में भी ये लोग जाके अपना बाजी मारेंगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग गलत नहीं होगा ये तो सब बनाएंगे, ये बना के आएंगे ही। और जीएस तो सब कोई बनाएगा, जो खूब जीएस पढ़ा है वो भी 30 नहीं करेगा 40 करेगा, लेकिन मैथ अगर नहीं पढ़ा है ना और रीजनिंग नहीं पढ़ा है ना तो उसे बनेगा नहीं, हो सकता है 50 रीजनिंग में 25 भी सही नहीं हो, हो सकता है कि मैथ 25 में 5-10 भी सही नहीं हो, क्योंकि मैथ सॉल्व करना पड़ता है, मैथ दिमाग वाला सब्जेक्ट है, रीजनिंग दिमाग वाला सब्जेक्ट है। इसलिए आप सब लोग सभी सब्जेक्ट पर पकड़ बना के चलिएगा, किसी भी सब्जेक्ट को कम नहीं आंकना है, आप सही रणनीति में रीजनिंग मैथ को थोड़ा ज्यादा फोकस करिए, जीएस को क्रेश कोर्स करके पूरा रिविजन करिए, इतना करके जाइएगा सिलेक्शन हो जाएगा। ये जो भी बात हम बताए हम अपने अनुभव के आधार पर बताए हैं, अगर मेरे से कहीं भी त्रुटि भी हुई होगी तो उसको आप जो है इग्नोर करिएगा, जो मेरा नॉलेज है हम आपको शेयर किए, आपके भलाई के लिए शेयर किए, अगर आपको इससे बेहतर नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, आप उसको यूटिलाइज करके और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। और इंजीनियर वीके गुप्ता कैंपस के तरफ से आप सभी बच्चों के लिए शुभकामना है, बहुत बहुत बधाई है कि इतना बड़ा वैकेंसी आया, और शुभकामना है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और इस एग्जाम में आप सफल होइए। जाते जाते हम एक बात और लास्ट में बोलेंगे, देखिए अभी बिहार का जो भी एग्जाम हो रहा है सब ऑन टाइम हो रहा है, ज्यादातर एग्जाम ऑन टाइम हो रहा है। बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि सर एग्जाम टाइम पर होगा कि नहीं होगा,
क्योंकि जो 2014 में वैकेंसी आया है उसको अभी क्लियर करवाया है, कुछ दिन पहले क्लियर हुआ है, अब ज्वाइनिंग आना बस बाकी है। तो क्या इसमें क्या कितना वक्त लगेगा? कहीं ना कहीं बिहार का जो ये चयन आयोग है उस पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है। अभी कुछ दिन पहले रेलवे को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, उसका प्रेशर केंद्र सरकार पर भी है, बिहार सरकार पर भी है। और इधर 2 साल से देखा जाए बिहार सरकार का रिकॉर्ड, तो बिहार सरकार का आप खुद उठा के देख लीजिए, बीपीएससी एकदम टाइम पे हो रही है, बीपीएससी की सारी परीक्षाएं टाइम पे हो रही है, ज्वाइनिंग टाइम पे हो रही है, बिहार दरोगा का जितना भी वैकेंसी है सब टाइम पे हो रहा है, ठीक है ना, टाइम पे हो रहा है। इसके अलावा बिहार पुलिस का जो भी एग्जाम हुआ सब टाइम पे हुआ, मतलब हल्का फुल्का लेट हुआ, मतलब बहुत ज्यादा लेट होने की संभावना नहीं है। ऐसे तो बिहार एसएससी का आयोग से मेरा बात हुआ था तो उनका कहना यह है कि हम जुलाई अगस्त तक एग्जाम करा लेंगे, लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है इस एग्जाम के लिए आपको मान के चलिए कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में एग्जाम होने का प्री होने का चांसेस है। आप अभी से तैयारी करिएगा तो आपको 5 से 6 महीना वक्त मिल रहा है तैयारी करने के लिए, 5-6 महीना तैयारी करके प्री दीजिए, उसके बाद फिर मेंस दीजिएगा। और जो लोग तैयारी प्री में बढ़िया से कर लेंगे उसको मेंस में भी एडवांटेज मिलता है, क्योंकि प्री में बढ़िया तैयारी हो जाएगा तो सेम चीज मेंस में पूछा जाएगा। तो प्री में एकदम अच्छा से पूरा जान लगा के पढ़ाई करिए, एग्जाम दीजिए, क्योंकि प्री होगा तभी मेंस दे सकते हैं, और प्री में जितना पढ़िएगा वो प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। बात आ रही समझ में? तो चलिए इसी के साथ हम इस अपने वीडियो को एंड करते हैं। नमस्कार साथियों, नमस्कार।